हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एट अनुष्का बायोलॉजी 360। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द अनदर लेक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। आई थिंक यही नाम है इसका। तुम सोच रहे हो कि कैसी टीचर है, नाम तक नहीं पता क्या पढ़ा रही हैं अभी। छोड़ो छोड़ो जी, छोड़ो छोड़ो। चलो तो भाई बातें कम करते हैं, ठीक है। कल वाले लेक्चर में बहुत ज़्यादा अधिक बातें हो गई थी, आज हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। बोल बोल के कितना बोल रही है तू। चलो, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हाँ देखो, कल क्या बात चल रही थी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात चल रही थी। कल हमने वेक्टर देखा था कौन होता है, कल हमने क्लोनिंग भी पढ़ लिया था क्या होता है और कैसे हम डीएनए को काटेंगे, कैसे उसको जोड़ेंगे, ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ चुके थे। अब आते हैं कि डीएनए टेक्नोलॉजी में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर टूल्स क्या क्या होते हैं। देखो, नाउ वी नो फ्रॉम द फॉरगोइंग डिस्कशन दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैन बी अकम्प्लिश्ड ओनली इफ़ वी हैव की टूल्स। अगर हमारे पास कुछ ना कुछ औजार होंगे तभी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को परफॉर्म कर सकते हैं, तभी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं। क्या क्या होना चाहिए हमारे पास? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ताकि डीएनए कट सके, पॉलीमरेज एंजाइम ताकि डीएनए बन सके, लाइगेज ताकि डीएनए जुड़ सके, वेक्टर ताकि होस्ट ऑर्गेनिज्म में डीएनए जा सके, एंड द होस्ट ऑर्गेनिज्म जो हमें डिज़ायरेबल प्रोडक्ट देगा। अब हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। देखो, 1963 के अंदर बेटा दो एंजाइम थे, है ना। 1963 ये उन दिनों की बात है जब 1963 का दौर हुआ करता था। उस टाइम पे दो एंजाइम्स थे, टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज इन ई कोलाई वर आइसोलेटेड। ई कोलाई के ऊपर, ठीक है, बैक्टीरियोफाज इन ई कोलाई, हमारे पास कुछ ऐसे एंजाइम रिस्पॉन्सिबल थे किसके लिए कि वो ई कोलाई के ऊपर बैक्टीरियोफाज को ग्रो नहीं करने दे रहे थे। मतलब ई कोलाई, बैक्टीरियोफाज क्या होता है, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं। तो ई कोलाई क्या है, एक बैक्टीरिया, तो बैक्टीरियोफाज अगर ग्रो करेगा तो ई कोलाई मर जाएगी। बट ऐसे दो एंजाइम हमारे पास थे जो कि बैक्टीरियोफाज को ई कोलाई के अंदर, एक सॉरी यार। देखो तो दो ऐसे एंजाइम रिस्पॉन्सिबल थे कि वो ना ई कोलाई के अंदर बैक्टीरियोफाज को ग्रो नहीं होने दे रहे थे। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि भाई ऐसे कौन आए हैं अभी नए नए मार्केट में। तो वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए। इसमें से जो दो एंजाइम थे ना, उसमें से एक तो डीएनए को मिथाइल ग्रुप अटैच कर रहा था, दूसरा डीएनए को काट रहा था। तो जो डीएनए को काट रहा है, द लेटर वाला, बाद वाला, उसको हमने कहा बेटा रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, समझ। तो द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, जो पहला रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस होता है ना बेटा, एक मिनट, ये मैंने क्या कर रखा है इधर, एक सेकंड रुको तुम लोग, है ना। जो पहला रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस था ना, उसका नाम क्या था, हिंद टू रखा नाम उसका। ये भी मिटा ही देते हैं, ये पता नहीं मैंने क्यों लिखा, कब, एक सेकंड। या तो जो पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ना, उसका नाम था हिंद टू, जिसकी फंक्शनिंग डिपेंड करती थी डीएनए न्यूक्लियोटाइड के एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे। अगर वो सीक्वेंस होती है तभी वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। और ये चीज़ हमने 5 साल के बाद पता लगाई कि भाई ऐसा ऐसा होता है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बाद में काम करता है वो। तो ऐसा पाया गया कि हिंद टू जो था ना, वो हमेशा डीएनए को कहाँ से काटता है, 6 बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करेगा, उसके बाद काटेगा, है ना। तो पहले 6 बेस पेयर होने दो पूरा, उसके बाद वो एक कट लगाता है, समझ गए। तो ये जो स्पेसिफिक बेस का सीक्वेंस होता है ना, इसको हम लोग रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। हिंद टू के लिए ये जो स्पेसिफिक बेस का सीक्वेंस होता है, इसको हम लोग रिकॉग्निशन सीक्वेंस नाम देते हैं। हिंद टू के अलावा आज हमारे पास 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जो कि लगभग 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, अलग अलग प्रकार के 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से हम लोगों ने हासिल करे हैं, जिनके पास अलग अलग रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। तो जो एनसीईआरटी में दिया है वही अपने को याद रखना है, सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दीज एंजाइम, अब इनका, इन ये जो एंजाइम्स है, जैसे हिंद टू हमने बोला तो एक इक्वाराई होता है लिखा होगा यहाँ पे, तो ये किस बेसिस पे नाम दिया, कैसे हमने नाम रखा है। तो जो पहला लेटर होता है ना, वो तो उसके जीनस से आता है। जैसे ई कोलाई में क्या आता है बच्चा, इस, मेरे को तो स्पेलिंग भी नहीं आती, इस चिड़िया कोलाई, ठीक है। तो ये उसका जीनस है, कोलाई उसका स्पीशीज़ है, ठीक है। तो पहला
और जो लेटर है वो तो किससे आया, जीनस से आया है हमारे पास बेटा, और जो दूसरे दो लेटर्स हैं वो हमको स्पीशीज से मिले हैं, यहाँ से ये एक ई हो गया, ये यहाँ से सी ओ हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर द प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम विच दे आर आइसोलेटेड, हाँ स्पीशीज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, के कौन सी सेल से हमने उसको निकाला है, तो जैसे कि एग्जाम्पल इक्वाराई है, ई इस्टीरिया कोलाई आर वाई 13 से निकाला है, ठीक है। तो इको आर आई के अंदर जो लेटर आर है ना वो क्या है, डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन, कौन सा स्ट्रेन है उसका, ठीक है। जैसे 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया मैंने बताए थे, उसमें से इको आई का आर वाला स्ट्रेन है, जो भी स्ट्रेन का नाम होगा ना वो उसमें कहीं आर आता होगा या फिर पहला लेटर उसका आर होगा, तो वो जो स्ट्रेन है उससे हमने ये आर डिराइव करा है। फिर जो रोमन नंबर है इको आर आई लिखा हुआ था ना ऐसे, और जैसे एक मिनट हिंद टू भी था, हिंद टू में टू था, इको आर आई में वन था, इस तरीके से, ठीक है। तो जो रोमन नंबर्स होते हैं ना वो कहाँ से आते हैं, नेम्स इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, कि कौन से ऑर्डर में मतलब जो भी पर्टिकुलर स्ट्रेन है बैक्टीरिया का कब निकाला गया था, उसको कौन से ऑर्डर में निकाला गया था, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू अ लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना वो एक बहुत बड़ी क्लास है एंजाइम का, जिसको हमने न्यूक्लियेजेस कहा है, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज़ अ पार्ट ऑफ क्लास ऑफ एंजाइम विच इज़ नॉन एज न्यूक्लियेज, न्यूक्लियस के अंडर आता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो ये दो टाइप का होता है, एक्जो न्यूक्लियेजेस एंडो न्यूक्लियेजेस। जो एक्जो न्यूक्लियेजेस होते हैं ना वो तो डीएनए के एंड से न्यूक्लियोटाइड हटाते हैं, रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए, जबकि जो एंडो न्यूक्लियेजेस होते हैं वो डीएनए के अंदर ही कुछ स्पेसिफिक पोजिशन के बाद कट लगाते हैं। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। अब हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस कब काम करेगा, जब वो पूरे के पूरे डीएनए के सीक्वेंस को इंस्पेक्ट कर लेगा, एक बार देख लेगा, नज़रों में से निकाल लेगा, उसके बाद जैसे ही उसको अपना स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस दिखा वो डीएनए से बाइंड हो जाएगा और फिर दोनों स्ट्रैंड्स को डबल हेलिक्स में काट देगा, ठीक है। एट स्पेसिफिक पॉइंट इन द शुगर फॉस्फेट बोन्स, और शुगर फॉस्फेट बोन्स होता है ना वहाँ पर वो कट लगाएगा, तो दोनों के दोनों स्ट्रैंड को काटता है, जैसे कि ये है मान लेते हैं उसको यहाँ से काटना है तो वो दोनों में काटेगा, अब मान लेते हैं यहाँ से काटना है तो दोनों में काटेगा, सिर्फ इतना इतना नहीं काटेगा, यहाँ से भी कट करेगा, यहाँ से भी कट करेगा, ठीक है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स में कट लगा देगा। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस इन डीएनए। डीएनए के अंदर पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करेगा कौन, जो रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस है वो। देखो अब देखो जैसे कि ये है एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, द एंजाइम कट बोथ डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम साइट। ये तो वेक्टर का डीएनए है, देखो जी डबल ए डबल टी सी, ये है वेक्टर का डीएनए, और फॉरेन डीएनए ये रहा जी डबल ए डबल टी सी, ठीक है। फिर ये इको आर आई हमको बनाना है तो हमने यहाँ से कट लगा दिया, डबल ए डबल टी सी हट गए यहाँ से, ठीक है, और फिर इधर के भी डबल ए डबल टी ये वाले आ गए, देखते रहना ब्लैक ब्लैक, मेरा पेन अभी काम नहीं करेगा, काम करेगा तो ये नीचे स्लाइड नहीं होगा, तो ये स्टिक एंड बने इधर, फिर इधर से येलो वाला एरो है ना ये यहाँ आके जुड़ जाएगा, टी के कॉरेस्पॉन्डिंग ए है, टी के कॉरेस्पॉन्डिंग ए है, फिर ये जुड़ गया, तो इस तरीके से ये कौन सा बन गया, अभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब क्या तुमको पता है पैलिंड्रोम क्या होते हैं, तो पैलिंड्रोम ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आगे से पढ़ो तो भी सेम, पीछे से पढ़ो तो भी सेम, ठीक है। जैसे कि नव जीवन, ठीक है, अगर मैं नव जीवन को आगे से पढ़ती हूँ तो भी न व जी व नहीं होगा, पीछे से पढ़ती हूँ तो भी न व जी व नहीं होगा। जैसे मलयालम, ठीक है, मलयालम का जो इंग्लिश का लेटर है उसको पढ़ो, आगे से भी एम है, पीछे से भी एम है, फिर आगे ए एल, फिर पीछे भी ए एल, फिर आगे ए वाई, पीछे से भी ए वाई, मतलब ऐसे वर्ड जिनको आगे से पढ़ो तो भी सेम, पीछे से पढ़ो तो भी सेम, इनको हम कैसे कहते हैं, इनको हम पैलिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। एज अगेंस्ट द वर्ड पैलिंड्रोम वेयर द सेम वर्ड इज रीड इन बोथ डायरेक्शन, द पैलिंड्रोम इन डीएनए इज अ सिक्वेंस ऑफ बेस पेयर दैट रीड सेम ऑन टू स्ट्रैंड, ठीक है। डीएनए के अंदर पैलिंड्रोम का क्या मतलब है, ऐसे बेस पेयर जो कि दोनों स्ट्रैंड के ऊपर सेम रीड हो रहे हों, व्हेन ऑरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज कैप्ट द सेम। देखो जैसे कि ये नीचे एग्जांपल दिया हुआ है हमको, 5' to 3' में पढ़ना शुरू करो जी डबल ए डबल टी सी, अब इधर राइट में से 5' में, 5' to 3' में पढ़ो, ऐसे नहीं 3' से 5' पढ़ रहे हैं, सेम ऑर्डर होना चाहिए पढ़ने का, 5' to 3' ही पढ़ना है,
दोनों को अगर पढ़ रहे हो तो, बाकी मर्जी है तुम्हारी 3 prime to 5 prime, पर फिर दोनों को सेम ऑर्डर में पढ़ना है। अभी मैं 5 से 3 पढ़ रही हूँ तो GAA TC, और इधर से नीचे वाले में पढ़ेंगे तो GAA TC। ये होता है पैलिंड्रोम DNA का सिक्वेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल हमने पढ़ लिया है, ये हमने एग्जांपल देख लिया। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं ना, वो DNA के स्ट्रैंड को काटते हैं लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोम साइट। जो पैलिंड्रोम साइट्स होती हैं उनका जो सेंटर होता है उससे थोड़ा सा दूर जाके वो उसको काटते हैं, लेकिन बट बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड, लेकिन दोनों अपोजिट स्ट्रैंड पे जो सेम बेसिस होंगे उनके बीच में ही कट लगाएगा, अलग अलग नहीं काटेगा। दिस लीव्स अ सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन एट द एंड, जिसकी वजह से लास्ट में क्या बच जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन बच जाता है। दीज आर ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस कॉल्ड स्टिकी हैंड ऑन ईच स्ट्रैंड। फिर ओवर हैंगिंग, अब वो लटक गया भाई, बाकी तो हमने काट के काम में ले लिया, अब वो जो सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन बचा उसका क्या करें। तो ये जो ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेज होते हैं ना, इसको हम लोग स्टिकी एंड्स कहते हैं हर एक स्ट्रैंड पे। इनको नाम इसीलिए दिया है क्योंकि आपस में जो काउंटर पार्ट होते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट होते हैं, वो आपस में क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स के साथ, समझ गए। ये जो स्टिकीनेस होती है ना ऑफ द एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ DNA लाइगेज, ये स्टिकीनेस की वजह से ही DNA लाइगेज अपना काम इजीली कर पाता है। जैसे कि ऊपर इधर लिखा हुआ है स्टिकी एंड, ये ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेज है, AA TT वाला लटक रहा है अपने आपस में, और फिर ये अपने काउंटर पार्ट, येलो वाला पार्ट क्या दिखा रहा है कि अपने अपने काउंटर कट काउंटर पार्ट के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग वाले के साथ ये जाके जुड़ जाता है, तभी रिकॉम्बिनेंट बनेगा, ठीक है। फिर आता है रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ DNA। अब रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस का काम हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हमको रिकॉम्बिनेंट DNA के मॉलिक्यूल्स बनाने होते हैं जिसके अंदर विच आर कंपोज्ड ऑफ DNA फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जिसके अंदर अलग अलग सोर्सेज, अलग अलग जीनोम के DNA कंपोज्ड होते हैं। जब हम सेम, व्हेन कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंड एंजाइम, अगर हम उसको सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते हैं, द रिजल्टेंट DNA फ्रेगमेंट हैव द सेम काइंड। तो जो रिजल्टेंट DNA का फ्रेगमेंट होगा उनके पास सेम तरीके के स्टिकी एंड्स होंगे, और उनको हम इजीली DNA लाएंगे इसका यूज़ करके क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। देखो फॉरेन DNA पर्पल कलर में है, वेक्टर DNA का प्लाज्मेट रेड कलर में है, तो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने लिया है दोनों को काटने के लिए, ताकि सेम टाइप के स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होंगे फॉरेन में भी वेक्टर में भी। तो ये हमने छोटा सा काट लिया, जो मिडल वाला पार्ट है ना, मिडल वाला पार्ट हम जाके रेड वाले में चिपका देंगे। तो लाइगेज ने अपना काम करा, उसको चिपका दिया। अब ये रेड प्लस पर्पल, ये रिकॉम्बिनेंट DNA का मॉलिक्यूल है, फिर हम उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे किसमें, बैक्टीरिया में डाल देंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू फिर सेल डिवाइड होगी और हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाएगी। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का। हम लोगों ने पढ़ा होगा नॉर्मली कि अनलेस वन कट्स द वेक्टर इन द सोर्स DNA विद द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, द रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल कैन नॉट बी क्रिएटेड। अगर हम फॉरेन DNA को और वेक्टर DNA को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से नहीं काटते हैं तो हम लोग रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल नहीं बना सकते। इस वजह से दोनों को हमको सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना ज़रूरी हो जाता है। अब आता है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट। अब हमने DNA बना तो लिया, बट हम उसको निकालें कैसे, अब हम उसको सेपरेट कैसे करें और उसको अलग कैसे करें बाकी इम्प्योरिटी से। द कटिंग ऑफ DNA बाय रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस रिजल्ट इन फ्रेगमेंट ऑफ DNA। हमारे पास DNA के फ्रेगमेंट बन गए। इन जो ये जो फ्रेगमेंट है ना, इनको हम सेपरेट करेंगे बाय अ टेक्निक कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम की एक टेक्निक होती है जिसके बेसिस पे हम लोग फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करेंगे, ठीक है। हमको पता है कि DNA के फ्रेगमेंट नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस वजह से वो कहाँ जाएंगे, वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। अगर हम क्या एनोड कैथोड प्रोवाइड करवा दें, उसके बाद DNA कहाँ भागेगा, एनोड की तरफ भागेगा। अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड और लगा दें तो थ्रू अ मीडियम और मैट्रिक्स, जो भी मीडियम और मैट्रिक्स उसके अंदर हमने लिया है, उसके अंदर DNA के फ्रेगमेंट है, उसके थ्रू जाते जाते DNA बेटा कहाँ जाएगा, एनोड के पास। Nowadays हम जो कॉमन मैट्रिक्स यूज़ करते हैं उसको हम एग्रोस कहते हैं, जो कि एक नेचुरल पॉलीमर है, मतलब नेचर में मिलने वाला है, हमने नहीं बनाया है, नेचुरल पॉलीमर है जिसको हम सी वीड्स से इकट्ठा करते हैं, सी वीड्स से निकालते हैं, उसका नाम है एग्रोस जेल, ठीक है। जो DNA के फ्रेगमेंट होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज़। देखो ऑप्शन में आएगा अकॉर्डिंग टू द साइज़,
एंड अकॉर्डिंग टू दिस साइज एंड वेट करके भी कुछ आता है, तो सिर्फ साइज के बेस पे ही निकालना है, और कोई भी क्राइटेरिया तुमको दे तुमको नहीं मानना है, सिर्फ और सिर्फ भले वो कितना ही रिलेटेबल क्यों ना लगे साइज़ के साथ, शेप एंड साइज़ हो सकता है, ठीक है, वेट एंड साइज़ हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ साइज़ के बेसिस पे ही हमने उसको अलग करा है, ये बात तुमको नहीं भूलनी है, समझ गए। और ये किससे हुआ है, थ्रू सीविंग इफ़ेक्ट, सीविंग इफ़ेक्ट बोलते हैं इसको, प्रोवाइडेड बाय द एग्रोस जेल। सीविंग इफ़ेक्ट किसने प्रोवाइड करा, एग्रोस जेल ने प्रोवाइड करा, तो इसी वजह से जो छोटे वाला होगा, अब देखो जो छोटा होता है वो इजीली भाग सकता है, तो जो स्मॉलर होगा फ्रेगमेंट वो जल्दी मूव करेगा, द फार्दर इट मूव्स, ठीक है। देखो अब जैसे इधर है 1 2 3 4 वाली लाइन है, ठीक, तो अब देखो ये वेल्स दिए हुए हैं तुमको 1 2 3 4, अब जो सबसे छोटा से छोटा वाला है जो फोर्थ वाला है उसमें डीएनए सबसे जल्दी भागा है नोड के पास, क्योंकि वो सबसे छोटा वाला फ्रेगमेंट, अगर हम देखें कि इसमें पूरी तरीके से कौन सी लाइन के अंदर पूरी तरीके से डीएनए सेपरेट नहीं हुआ है, तो वो हुआ है 1 के अंदर, क्योंकि उसमें तो बिल्कुल शुरू ही नहीं हुआ अभी, क्योंकि बहुत बड़ा डीएनए का मॉलिक्यूल है वो, ठीक है। अनडाइजेस्टेड किस में है, 1 के अंदर। डाइजेस्टेड किस में है, सेट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट 2 से लेकर 4 तक में, 2 में भी डाइजेस्ट हो गया, 3 में भी 4 में भी, अनडाइजेस्टेड 1 के अंदर, समझ गए। चलो तो समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं जो सेपरेटेड डीएनए के फ्रेगमेंट है उसको हम देख कैसे सकते हैं, जब हम उसको इथीडियम ब्रोमाइड नाम के कंपाउंड के साथ स्टेन करेंगे, जब हम डीएनए को इथीडियम ब्रोमाइड के साथ स्टेन करेंगे और उसको स्टेन करने के बाद जब हम उसको यूवी रेडिएशन में देखेंगे तभी हम उसको देख सकते हैं। प्योर डीएनए को विजिबल लाइट के अंदर हम लोग नहीं देख सकते, मतलब बिना स्टेनिंग के तुम लोग डीएनए को नहीं देख सकते हो, ठीक है। यू कैन सी ब्राइट, फिर हम ब्राइट चमकदार ऑरेंज कलर के बैंड्स डीएनए के देख सकते हैं, किसमें, इन इथीडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल एक्सपोज टू यूवी लाइट, अगर हम इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करके यूवी लाइट में दिखा देना तो ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देंगे। जो सेपरेटेड बैंड है डीएनए के फिर उसको हम एग्रोस जेल से कट आउट कर लेते हैं और एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जेल पीस में से, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, जो सेपरेटेड बैंड होते हैं ना डीएनए को उसको हम अलग कर लेते हैं एग्रोस जेल से और जेल पीस में से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, इस स्टेप को कहा जाता है इल्यूशन। जो डीएनए के फ्रेगमेंट हैं उनको इसी तरीके से प्योरीफाई करा जाता है और फिर उनको रिकॉम्बिनेंट डीएनए में इस्तेमाल करा जाता है, कंस्ट्रक्ट करा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, और बाद में उनको क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़ दिया जाता है। अब आता है व्हाट इज़ क्लोनिंग वेक्टर, यू नो दैट, हम लोगों को पता है कि जो प्लाज्मिड हैं और जो बैक्टीरियोफेजेस हैं उनके पास एबिलिटी होती है रेप्लिकेट करने के बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, मतलब जो नॉर्मल सेल्स रेप्लिकेट करती है ना उसके अलावा वो खुद ब खुद ऑटो डिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो खुद रेप्लिकेट कर सकते हैं बिना सेल के किसी कॉन्ट्रीब्यूशन के या कोऑर्डिनेशन के, इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, जो सेल का क्रोमोसोमल डीएनए है ना उसके अलावा, उसके कंट्रोल के अलावा बैक्टीरियोफेजेस और प्लाज्मिड इजीली रेप्लिकेट कर सकते हैं। बैक्टीरियोफेजेस बिकॉज ऑफ देयर हाई कॉपी नंबर, हाई नंबर पर सेल है वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल, जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं ना उनका पर सेल बहुत ज़्यादा नंबर होता है, तो उतना ही जितना उनका खुद का नंबर उतना ही उनका कॉपी नंबर, ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल्स में उनकी कॉपी बहुत ज़्यादा ज़्यादा बनेंगी। कुछ जो प्लाज्मिड होती हैं, सम प्लाज्मिड्स मे हैव ओनली 1 or 2 कॉपीज़ पर सेल, कुछ प्लाज्मिड्स का पर सेल 1 या 2 कॉपीज़ हो सकती हैं, जबकि कुछ का 15 से 100 कॉपीज़ पर सेल भी हो सकता है, उनका नंबर थोड़ा ज़्यादा भी जा सकता है। अगर हम एलियन पीस ऑफ डीएनए को लिंक करेंगे किसके साथ, क्या तो बैक्टीरियोफेज के साथ या प्लाज्मिड डीएनए के साथ, तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं इक्वल टू इट्स कॉपी नंबर, जितना प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज का कॉपी नंबर होता है उतनी बार ही हम हमारे वाले एलियन डीएनए को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। मान लेते हैं कैसे बैक्टीरियोफेज में डाला जिसका नंबर था, कॉपी नंबर था 100, तो 100 बार ही हमारा फॉरेन डीएनए मल्टीप्लाई होगा उस सेल के अंदर, ठीक है। अगर एक है कॉपी नंबर पर सेल तो एक बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। वेक्टर्स यूज्ड एट प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड इन सच अ वे दैट दे हेल्प इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए एंड सेलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट, वेक्टर जो हमने यूज़ करे हैं वो इस तरीके के यूज़ करें ताकि फॉरेन डीएनए इजीली लिंक हो सके और रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में हमें फ़र्क बता सके। अब किसी भी वेक्टर के अंदर डालने के लिए क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, सबसे पहले तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन,
जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होना शुरू होगा। ये एक सीक्वेंस होता है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है किसी भी डीएनए के पीस का। अगर हम व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट, अगर हम होस्ट सेल के अंदर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से हमारा फॉरेन डीएनए लिंक करवा दें तो वो जल्दी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही वो जगह होती है ना बेटा जहाँ से रेप्लिकेशन होना शुरू होता है, समझ गए। ये जो सीक्वेंस होता है ये ऑल्सो ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसको कंट्रोल करने के लिए, कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है लिंक्ड डीएनए का। लिंक्ड डीएनए के कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है कौन? ओआरआई। तो अगर हमको ज़्यादा कॉपीज चाहिए, ठीक है, तो ऐसे वेक्टर के अंदर डालो जिसका कॉपी नंबर ज़्यादा होता हो। फिर आता सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर इन एडिशन टू ओआरआई, ओआरआई के साथ जो वेक्टर होता है वेक्टर को हम ज़रूरत होती है सेलेक्टेबल मार्कर की, विच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट, ताकि हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट को क्या कर सके, पहचान सके। तो ट्रांसफॉर्मेंट को तो हम लोग रख लेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। मतलब मैं भी बताती हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर एक पीस ऑफ डीएनए को हम लोग किसी होस्ट बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ होस्ट बैक्टीरियम। अगर उस होस्ट बैक्टीरिया के अंदर हमारा डीएनए चला जाता है सक्सेसफुली तो वो ट्रांसफॉर्मेंट होगा, अदरवाइज वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा। क्या पता फेल हो जाए, ना जा पाए, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा बच्चा। नॉर्मली क्या होता है, सेलेक्टेबल मार्कर जनरली कौन काम करते हैं, जो जीन्स करती हैं, द जीन्स एनकोडिंग रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, ऐसी जीन जो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि एम्पिसिलिन हो गया, क्लोरमफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन एक्सेट्रा, इनको हम लोग यूज़फुल सेलेक्टेबल मार्कर मानते हैं ईकोलाई के लिए। नॉर्मल ईकोलाई सेल्स के अंदर किसी भी एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंट नहीं होता है। मतलब नॉर्मल ईकोलाई अगर मैं लूँ तो उसको तुम कोई भी वैक्सीन दोगे तो वो मर जाएगा, ठीक है, उसके पास उनसे लड़ने की कोई क्षमता नहीं होती। लेकिन अगर मैं उनको दे दूँ, मतलब अगर मैं उसको ट्रांसफॉर्म करवा दूँ कि भाई टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट हो जा, तो टेट्रासाइक्लिन कितना भी डालते जाओ ईकोलाई को कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर, समझ गए। आगे आता है बेटा क्लोनिंग साइट। अब क्लोनिंग साइट क्या होता है, इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड्स टू हैव वेरी फ्यू। देखो जो वेक्टर होता है उसके पास बहुत ही कम, प्रेफरेबली लगभग हमको एक ही चाहिए होता, प्रेफरेबली सिंगल, उसको सिंगल ही रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए फॉर द कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन एनजाइम। जो हम कॉमनली रेस्ट्रिक्शन एनजाइम को यूज़ करते हैं उसके लिए हमारे पास उस वेक्टर के अंदर बहुत कम, प्रेफरेबली लगभग एक ही रिकॉग्निशन साइट उसके अंदर होनी चाहिए। प्रेजेंस ऑफ, अगर एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट हुई वेक्टर के अंदर तो हमारे लिए कॉम्प्लिकेशंस होंगे जीन क्लोनिंग के को लेके। मतलब अगर एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट है वेक्टर के अंदर तो वो बहुत सारे फ्रेगमेंट को जनरेट कर देगा, तो जो जीन क्लोनिंग है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरड आउट अ रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। जो लाइगेशन होती है ना रेस्ट्रिक्शन साइट, किसी भी रेस्ट्रिक्शन साइट के ऊपर एक मिनट, सॉरी, तो देखो अगर हमारे पास दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं, ठीक है, हमारे पास दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं, तो उनमें से हम किसी एक के ऊपर ही हमारा एलियन पीस ऑफ डीएनए लगा सकते हैं, दोनों के ऊपर तो नहीं लगा सकते, समझे। फॉर एग्जांपल हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ पे, यू कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए, डायग्राम बाद में दिखाऊंगी, हम लोग एक फॉरेन डीएनए को लाइगेट कर सकते हैं एट द बैम एच वन साइट फॉर टेट्रासाइक्लिन। बैम एच वन पे डालेंगे तो वो टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंट होगा, ठीक है। वेक्टर है PBR322, द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए बट कैन स्टिल बी सेलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। एक मिनट अभी समझाती हूँ, सारा इजिली क्लियर होगा। देखो जैसे ये डायग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर हमारे पास कितनी रेजिस्टेंट जीन है, हमारे पास दो हैं,
एक तो एम्पेसिलिन के लिए होगा या फिर टेट्रासाइक्लिन के लिए होगा। अब यहाँ पे आर लिखा हुआ है मतलब अभी ये रेजिस्टेंट है, मतलब पीबीआर 322 के इस पर्टिकुलर डायग्राम में अभी ये वाली जो सेल है, ठीक है, तो ये एम्पेसिलिन से भी रेजिस्टेंट है, मतलब इसके ऊपर एम्पेसिलिन डालोगे तो भी इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टेट्रासाइक्लिन डालोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखो, जैसे ही हमने इसकी बैम एच वन साइट के ऊपर, बैम एच वन जहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन बैठी हुई है, वहाँ पर जैसे ही हमने क्लोन करा, वैसे ही जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा, रिकॉम्बिनेंट क्या होता है बेटा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड मतलब जिसके पास खुद का भी जीनोम हो और जो हमारा फॉरेन डीएनए भी उसके साथ कंबाइंड हो, ऐसी सेल्स होती हैं रिकॉम्बिनेंट सेल्स। तो जो रिकॉम्बिनेंट सेल है जिसके अंदर हमने अपना फॉरेन डीएनए ऑलरेडी इंसर्ट कर दिया है, तो वो सेल क्या हो जाएंगी अब, एम्पेसिलिन नहीं सॉरी टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव, अब वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं रही, उनके ऊपर टेट्रासाइक्लिन का फ़र्क पड़ेगा, वो टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में मर जाएंगी, समझ गए। तो रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को हम कैसे अलग कर सकते हैं, अगर हम उनको देखो, द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, अब जो रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड था वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट को लूज़ कर देगा क्योंकि हमने फॉरेन डीएनए उसके अंदर इंसर्ट कर दिया। हम उसको रिकॉम्बिनेंट को कैसे अलग कर सकते हैं, उसको प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम, ट्रांसफॉर्मेंट को अगर हम देखो, जो ट्रांसफॉर्मेंट्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट के ही दो टाइप बताए हुए हैं, रिकॉम्बिनेंट होगा या तो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा। ट्रांसफॉर्मेंट मतलब जिसके अंदर हमने अपना फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर दिया। देखो एक चीज़ समझो तुम लोग, एक फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करना है, ये पीस है वो डीएनए का, इसको मैंने इस सेल में डाल दिया, ठीक है, इसने सेल में तो डाल लिया, लेकिन जो एक्चुअल जीनोम था इस सेल का, मैं उसको ना एक बार रेड कलर से बनाती हूँ। मान लेते हैं ये जो सेल का एक्चुअल जीनोम था वो ये था, ठीक है। अब जो हमारे, हमने जो फॉरेन डीएनए डाला था, देखो इस पर्टिकुलर टाइम पे ये जो सेल है ये ट्रांसफॉर्मेंट है क्योंकि इसने फॉरेन डीएनए ले लिया, लेकिन इसने फॉरेन डीएनए इसके अपने खुद के जीनोम में डाला है, ये नहीं डाला है। अब ये वाली तो रिकॉम्बिनेंट है बच्चा, ये वाली नॉन रिकॉम्बिनेंट है, तुम लोग मतलब समझे मेरा। अगर मैं तुम्हारी बॉडी में जीन डालूं, अपना फॉरेन डीएनए डालूं, तो तुम तो होगे ट्रांसफॉर्मेंट, लेकिन तुम्हारे जीनोम में, अगर तुम्हारी बॉडी के जीनोम ने मेरा फॉरेन डीएनए ले लिया, अपने साथ कंबाइन कर लिया, तब तो तुम रिकॉम्बिनेंट कहलाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा जीनोम अलग है और तुम्हारी बॉडी में पड़ा हुआ मेरा फॉरेन डीएनए अलग है, काम नहीं कर रहा है बॉडी में जाके, तो तुम फिलहाल नॉन रिकॉम्बिनेंट कहलाओगे, समझ गए। अगर वो लिंक हो जाता है तो रिकॉम्बिनेंट, अगर नहीं हो पाता है तो नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो सभी के सभी रिकॉम्बिनेंट, मतलब रिकॉम्बिनेंट प्लस नॉन रिकॉम्बिनेंट इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेंट, समझ गए। हाश, नहीं समझ आया तो एक बार फिर से सुन लेना भाई, और तुम्हें क्या बताऊँ तुम लोगों को, ठीक है। जैसे ही हम ट्रांसफॉर्मेंट को टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम के ऊपर डालेंगे, अगर मैंने ट्रांसफॉर्मेंट मतलब मैंने अपना फॉरेन डीएनए डाल दिया, अब उस मीडियम के अंदर क्या है, टेट्रासाइक्लिन, तो अगर रिकॉम्बिनेंट होगा तो क्या हो जाएगा, बच जाएगा, नहीं बचेगा क्योंकि रिकॉम्बिनेंट पहले टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस था, अब फॉरेन डीएनए डालने के बाद वो सेंसिटिव हो गया, तो रिकॉम्बिनेंट वाला तो मर जाएगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला जी जाएगा। तो जो ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पेसिलिन कंटेनिंग मीडियम आर देन रेफर्ड ऑन अ मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, सबसे पहले तो हम ट्रांसफॉर्मेंट को ग्रो करवाएंगे एम्पेसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे, ठीक है, चेक करने के लिए, उसके बाद हम उसको टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम पे डाल देंगे। तो जो रिकॉम्बिनेंट होंगे वो तो ग्रो करेंगे बेटा एम्पेसिलिन पे कंटेनिंग मीडियम पे, लेकिन वो टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो नहीं करेंगे। रिकॉम्बिनेंट मतलब अब उसने टेट्रासाइक्लिन से जो रेजिस्टेंट था वो खो दिया, लेकिन एम्पेसिलिन की तो कोई बात ही नहीं चली है, तो एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट तो वो अभी भी होगा, तो रिकॉम्बिनेंट वाले एम्पेसिलिन वाले मीडियम पे तो ग्रो कर जाएंगे बट टेट्रासाइक्लिन वाले पे ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, जिसके सेल ने डीएनए को एक्सेप्ट ही नहीं करा है, उसके लिए क्या एम्पेसिलिन क्या टेट्रासाइक्लिन, वो दोनों के ऊपर ग्रो कर जाएगा ऐसे, मतलब जिसके अंदर दोनों एंटीबायोटिक है ना, चाहे एम्पेसिलिन हो चाहे टेट्रासाइक्लिन हो, दोनों पे ग्रो कर जाएगा इजीली। तो इस केस के अंदर जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स है वो उसने हम लोगों को हेल्प करा ट्रांसफॉर्मेंट को पता करने के लिए, जबकि जो दूसरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है वो क्या हो गई, गेट इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए के डालने के बाद क्या हो गई, वो इनएक्टिवेट हो गई।
इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए और हमको हेल्प करा रिकॉम्बिनेंट को पता करने के लिए। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, ये पर्टिकुलर डायग्राम है PBR322 का, इसके अंदर है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट भी है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी है। तो देखो BAM-H1 वाली साइट पे हम लोगों ने क्या रखा, क्लोन करा, हमारा जो पर्टिकुलर फॉरेन डीएनए था उसको क्लोन किया। तो सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, मैंने किसी सेल को फॉरेन डीएनए दिया तो वो ट्रांसफॉर्मेंट, अगर उस सेल ने ले ली तो ट्रांसफॉर्मेंट, नहीं लिया तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। फिर आता है रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, उस सेल के अंदर जिस सेल को मैंने फॉरेन डीएनए दिया है उस सेल का भी कुछ जीनोम होगा, अगर उस सेल के खुद के जीनोम ने मेरे फॉरेन डीएनए को अपने साथ मिला लिया तब तो ये बात हो गई रिकॉम्बिनेंट की। लेकिन अगर उस सेल के जीनोम ने मेरे वाले फॉरेन डीएनए को नहीं अपनाया, नहीं कंबाइन करा, नहीं मिक्स हुए वो, तो वो बात नॉन रिकॉम्बिनेंट की। अब मैंने BAM-H1 पे क्या कर दिया, क्लोन कर दिया, तो मतलब कि अब मैंने कुछ ना कुछ अपना फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर दिया, तो अब क्या होगा, इनएक्टिवेशन, इनएक्टिवेशन इन द टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंट, मतलब अब वो जो रिकॉम्बिनेंट होंगे वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं होंगे। अब मैंने ग्रो करवाया ट्रांसफॉर्मेंट को पहले एम्पिसिलिन वाली मीडियम पे, फिर टेट्रासाइक्लिन पे, तो जो बेटा रिकॉम्बिनेंट वाला होगा, मतलब जिसके जीनोम ने मेरा फॉरेन डीएनए अपना लिया, तो वो एम्पिसिलिन पे तो ग्रो कर जाएगा क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस तो वो है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो गया अब वो, ठीक है। तो अब वो टेट्रासाइक्लिन को देते ही उसके अंदर ग्रो नहीं कर पाएगा, जबकि नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले तो दोनों पे जी जाएंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले को फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे तुम एम्पिसिलिन दो चाहे तुम टेट्रासाइक्लिन दो। तो बात यहाँ ही यहाँ तक की थी, ठीक है। अब एक छोटा सा पार्ट बचा है ये और पढ़ लेते हैं, सेलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। अगर हम रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन करें ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज अ क्यूम्बरसॉम प्रोसीजर बिकॉज इट रिक्वायर साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन द टू प्लेट्स हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक। अब हम लोगों ने देखा कि भाई पहले एम्पिसिलिन पे ग्रो करवाया, फिर टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो करवाया, तो क्यूम्बरसॉम मतलब बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, बहुत ज़्यादा समय लग रहा है हमारा, ठीक है। तो हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव सेलेक्टिव मार्कर्स हमको निकालने थे, तो क्या निकाला हमने, हम लोगों को कुछ अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर निकालने थे जो डिफरेंशिएट कर सके रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। तो क्या निकाला हमने, कोई किसी भी सेल को हमने कोई क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट दिया, अगर वो उसके प्रेजेंस में कलर प्रोड्यूस करती है, उसकी एबिलिटी है, उसके बेसिस पे हम लोग उसको पता करेंगे कि वो रिकॉम्बिनेंट है, कि वो कलर प्रोड्यूस करता है नहीं करता है, तो रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट इस तरीके से पता करेंगे। तो क्या करवाया, इसके अंदर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है ना बेटा, उसको इंसर्ट करा जाता है विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोजिडेज। कौन से एंजाइम के साथ, बीटा गैलेक्टोजिडेज, उसके सीक्वेंस के साथ, ठीक है। दिस रिजल्ट इन टू इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम। अब हमने उसके कोडिंग सीक्वेंस में अपना फॉरेन डीएनए डाल दिया, मतलब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया, कुछ भी तुम फॉरेन डीएनए इंसर्ट करोगे तो इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो अब ये जीन बीटा गैलेक्टोजिडेज बना ही नहीं रही है, ये एंजाइम बन ही नहीं रहा है, इसको हमने रेफर क्या किया, क्या टर्म यूज़ करी, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। द प्रेजेंस ऑफ अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर्ड कॉलोनीज। अगर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट दिया हमने तो ब्लू कलर की कॉलोनीज बनाता है प्लाज्मिड, इफ़ द प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट। अगर हमने उस बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को कोई भी फॉरेन डीएनए नहीं इंसर्ट करा है, मतलब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन अभी नहीं हुआ है, तब तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के होने पे वो ब्लू कलर की कॉलोनी प्रोवाइड करेगा, मतलब प्रोड्यूस करेगा। अब हमने उसको फॉरेन डीएनए दे दिया, मतलब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करवा चुके हम, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ लेकिन ऑफ द बीटा गैलेक्टोजिडेज, मतलब बीटा गैलेक्टोजिडेज बन ही नहीं पा रहा है, एंड द कॉलोनीज, और जिसकी वजह से जो कॉलोनीज हैं वो कलर नहीं प्रोवाइड करेंगी, इसको हम रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी डालेंगे। देखो रिकॉम्बिनेंट मतलब जिसके जीनोम ने मेरा फॉरेन डीएनए अपना लिया, तो जब अपना लेगा तो कोई भी कलर नहीं देगा, अब जब नहीं अपनाएगा नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला ब्लू कलर की कॉलोनी देगा, रिकॉम्बिनेंट वाले कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले ब्लू कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस करेंगे। हाश, आजकल एक थोड़ा टिपिकल सा लगता है मेरे को, है ना, बाकी ट्राई करना, एक दो बार सुन लेना, तुमको समझ आ जाएगा, चिंता मत करो। मेन कन्फ्यूजन यही आती है, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, समझे, बाकी मैंने तुमको समझा दिया है। कुछ प्रॉब्लम, कष्ट, दुख, दर्द, पीड़ा कुछ हो तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, अगले क्लास में फिर से बता देंगे क्या ही जोर आ रहा है, पर समझ आना चाहिए, समझे। चलो तो फिर टाटा बाय बाय, गॉड ब्लेस यू बच्चे।